तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये यदि आप भी अपने मोबाइल में L&T फाइनेंस एप्लीकेशन में यदि गाइस आपने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर ली है, आपने अपना पर्सनल डेटा जो है जैसे गाइस पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, बैंक डिटेल्स है, वो सभी यहाँ पर एंटर कर लिए है और यहाँ पर गाइस आपका जो डेटा है वो सेव हो गया है। तो यदि गाइस आपने जो भी आपका सेव हुआ डेटा है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो गाइस आपसे डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो गाइस अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना जिससे ये आने वाली वीडियोस की आपको सबसे पहले मिला रहेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में L&T फाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइस ऊपरी साइड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा 3 लाइन का, तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं करेगा जैसे कि गाइस आपने जो डेटा है उसे आप डिलीट कर पाए, पर गाइस मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिससे कि गाइस आपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा सेटिंग का, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फिर गाइस आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन होते हुए आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा अकाउंट सेटिंग का, तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइस हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट का, मींस गाइस अपना जो यहाँ पर अकाउंट से डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गाइस आपको अपना जो अकाउंट है उसे ही डिलीट करना होगा, फिर चाहे गाइस अपना जो अकाउंट है फिर से गाइस आपसे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं जो दूसरे मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर क्या करना है कि गाइस आपको अपने अकाउंट को यहाँ से पहले तो डिलीट कर लेना है, डिलीट करने के बाद अपना जो अदर मोबाइल नंबर है उसे एंटर करके फिर से गाइस अपना जो अकाउंट है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं गाइज। तो इस तरह से गाइज दी गाइज आपने भी अपने L&T फाइनेंस एप्लीकेशन में दी गाइज आपने भी अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर की हुई है और गाइज आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो गाइज कुछ इस टाइप से आपसे डिलीट कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चला हुआ और वीडियो चला हुआ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज ताकि ये जनरल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइज।